केंद्र सरकार ने आतंकी हमले के इनपुट के मद्देनजर अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को वहां से जल्द वापस लौटने की अपील की है। वायुसेना अपने C-17 ग्लोबल ब्लास्टर विमान से यात्रियों को एयरलिफ्ट कर जम्मू, पठानकोट या दिल्ली तक एयरलिफ्ट करेगी। यहां से यात्री अपने घर जा सकेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पास पिकनिक मनाने गई चार छात्राएं पानी के तेज बहाव में बह गईं। घटना शनिवार सुबह खारघर में ड्राइविंग रेंज के नजदीक हुई। पाकिस्तान ने बंटवारे के 72 साल बाद पंजाब प्रांत के झेलम जिले में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा चोवा साहब को श्रद्धांजलि के लिए खोल दिया। इसका निर्माण 1834 में महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था। 1947 में भारत पाक के विभाजन के दौरान यहां रहने वाले सिख समुदाय के लोग पलायन कर गए। उसके बाद सरकार की अनदेखी के चलते गुरुद्वारा पूरी तरह से बंद था। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 2 दिन और गोवा गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। शनिवार सुबह रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। खराब मौसम के बावजूद प्रशासन सड़क से मलबा हटाने की कोशिशों में जुटा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शनिवार को DRG के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इनमें 7 नक्सली मारे गए। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रमुख DM अवस्थी ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को भारतीय अधिकारियों ने शनिवार को उनके देश वापस भेज दिया। गफूर को गुरुवार को अधिकारियों ने तूतीकोरिन बंदरगाह से हिरासत में लिया था। वे अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में शनिवार तड़के सेना के जवानों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें एक जवान घायल हो गया। सोपोर के मल्लमपोरम क्षेत्र में सैन्य बलों ने इलाके को घेर लिया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर कहा है कि कश्मीर में जो हो रहा है वह हम सभी के लिए बेहद चिंताजनक है। इस वक्त घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कश्मीर और लद्दाख के लोग गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद काफी डरे हुए हैं। ऐसा तो तब भी नहीं हुआ जब घाटी में आतंक चरम पर था। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जा सकते हैं। घाटी में बिगड़ रहे सियासी हालातों को देखते हुए खुद गृहमंत्री घाटी में 2 दिन बिता सकते हैं। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकार से बात की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर उन्हें सही जवाब नहीं मिल पा रहा है।